प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर सोमवार को नगर भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा, गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा, जीप अध्यक्ष राकेश महतो, उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में भारी संख्या में जिले भर के किसान उपस्थित हुए। बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत गिरडी में भी हो चुकी है। इसी योजना का लाभ दिलाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया है गिरडी में कुल 3,373 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया, वहीं 21,150 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान कुल 7 बिंदुओं का विस्तार से चर्चा की गई। यहां जानकारी दी गई कि जिनके पास राजस्व अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है, वैसे किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। उन्हें मालूम था कि किन किन समस्याओं से भारतवर्ष के किसानों को जूझना पड़ता है। आए दिन हम लोगों ने भी देखा था कि महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते हैं, हम लोगों ने देखा हरियाणा के किसान, कहीं कहीं पंजाब के किसान आत्महत्या करते हैं। और वो आत्महत्या क्यों करते थे? जब वो फसल लगाते थे और फसल लगाने के बाद अगर वर्षा का इंतजार कर रहे हैं, पानी नहीं पड़ता है और वर्षा के भाव में फसल का नुकसान हो जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, कई चीजें सरकारें, जो भी सरकारें आई, कुछ न कुछ चीजें किसान को दिया, लेकिन सबने कर्ज के रूप में दिया। सम्मान के रूप में किसी किसान को किसी ने सम्मानित करने का प्रयास नहीं। छोटी सी ही भूमिका में बड़े मन से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान में 6,000 रुपया, जिसे आपको लौटाना नहीं। इसी प्रसाद में इन्हीं तरह किसानों के बीच 3,373 किसानों को क्षमा करेंगे, 21,150 किसानों को प्रथम किस्त की राशि